फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। लास्ट क्लास में हमने रिफ्रैक्शन जस्ट स्टार्ट किया था, ओके? और हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में बात किया था, राइट? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो ये कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ एंगल इन दैट मीडियम इज अ कॉन्स्टेंट, ओके? तो एंगल ऑफ, अगर दो ही मीडियम है तो हम बोल सकते हैं उसमें से एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ओके? सो n1 साइन i इज इक्वल टू n2 साइन r, ओके? और दूसरा जो लॉ था वो क्या था भाई, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में आएंगे, फाइन? ये बहुत ही सिमिलर था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, ओके? तो ये जो दो लॉज हैं इसके बेसिस हमने पूरी रिफ्रैक्शन की स्टडी हमें अभी करनी है, और हम लोग पहले हम इंटरफेस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद लेंसेस के बारे में बात करेंगे, देन हम लोग प्रिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके? तो भाई जब भी एक रे अपना मीडियम चेंज करती है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका बदलता है, तो उसको हम बोलते हैं कि द लाइट रे हैज अंडरगॉन रिफ्रैक्शन, फाइन? अब अगर कोई भी रे अपना मीडियम चेंज कर रही है तो क्या होगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम के जाने की वजह से बीच में एक इंटरफेस आएगी, राइट? जो दोनों मीडियम को सेपरेट कर रही होगी। तो जो इंटरफेस होता है उसकी जो डेफिनेशन है इज द सरफेस विच सेपरेट्स वन मीडियम फ्रॉम अदर मीडियम, ओके? अब होता क्या है कि जो सरफेस है ये तो भाई दो मीडियम को सेपरेट कर ही रही है, तो मीडियम की वजह से तो लाइट अपना बिहेवियर करेगी ही करेगी, लेकिन साथ ही साथ ये जो इंटरफेस है इसका जो ज्योमेट्रिकल शेप एंड साइज है उसकी वजह से भी बहुत फर्क पड़ेगा कि लाइट किस तरह से बेंड होती है। क्यों फर्क पड़ेगा? क्योंकि भाई एंगल तो हम नॉर्मल से ही निकालते हैं, राइट? अगर हम लोग कर्व सरफेस ले लेंगे तो उसका नॉर्मल भी अलग तरीके से आएगा, तो उस वजह से हम लोग फिर स्नेल्स लॉ भी अलग तरीके से लगाएंगे, राइट? अगर प्लेनार सरफेस है दोस्तों तो नॉर्मल जो है वो भी एक अलग तरीके से आएगा, तो उससे हम लोग फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्रैक्शन निकालेंगे। इसलिए दोस्तों किस तरह का ज्योमेट्रिकल शेप एंड साइज है इंटरफेस का जो कि दो मीडियम को सेपरेट कर रही है, उससे बहुत फर्क पड़ता है कि आपकी इमेज कैसे बन रही है, ओके? तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्लेनार इंटरफेस की, जो सबसे सिंपल इंटरफेस मानी जाती है, ओके? लिख लीजिए प्लेनार इंटरफेस। ओके, मान लीजिए कि ये रही आपकी इंटरफेस, फाइन? अगर ये इंटरफेस है तो इसके एक तरफ एक मीडियम होगा, दूसरी तरफ दूसरा मीडियम होगा, फाइन? और मीडियम की ऑप्टिकल प्रॉपर्टी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिनोट करते हैं। तो मान लीजिए ये n1 मीडियम है और ये रहा n2 मीडियम, ओके? और समझ लीजिए कि ये जो है यहां पे इधर एक ऑब्जेक्ट है, ओके? दिस इज एन ऑब्जेक्ट, फाइन? और यहां पर एक ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है जो कि इस ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश कर रहा है। अब मुझे क्या निकालना है कि भाई इसकी इमेज कहां पर है, क्योंकि ऑब्जर्वर जब ऑब्जेक्ट को देखेगा तो वो ऑब्जेक्ट की इमेज को देखेगा, फाइन? तो मुझे लोकेट करना है कि कैसे इमेज फॉर्म हो रही है ऑब्जेक्ट की, ओके? और इमेज फॉर्म करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि एक रे जो है ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर की तरफ जानी चाहिए, राइट? और उस रे के अलोंग होगी इमेज, तो क्योंकि उस रे में कहीं भी हो सकती है इमेज, मुझे दो रेज बनानी पड़ेंगी और उसका इंटरसेक्शन होगा इमेज, क्योंकि दोनों रे में सिर्फ इंटरसेक्शन पॉइंट है जो कॉमन है, ओके? तो सबसे इजी जो रे है यहां पर वो ये रही, ये रे जो इस तरह से जाएगी, इस सरफेस को ऐसे 90 डिग्री में हिट करेगी, इसके साथ क्या होगा, ये किस तरह से दूसरे मीडियम में जाएगी, ये सीधे ऐसे निकल लेगी दोस्तों, ये सीधे स्ट्रेट अनडिविएटेड जाएगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि स्नेल्स लॉ बोलता है कि n1 साइन i इज इक्वल टू n2 साइन r, ओके? यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या था, जब आप इधर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे दोस्तों तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो आएगा, फाइन?
तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो ये पूरा का पूरा जो है जीरो हो जाएगा, फाइन। तो ये जो है जीरो के बराबर हो गया। और अगर एन टू साइन आर जीरो है दोस्तों, क्योंकि एन टू जीरो नहीं है तो आर जो है जीरो होना चाहिए, राइट। तो इस केस में एंगल आर इज ऑल्सो जीरो, एंड दैट इज अ रीजन वाई दोस्तों ये जो है स्ट्रेट ऐसे जाएगा, फाइन। तो एक तो बात पक्की हो गई दोस्तों कि इमेज जो है इसी लाइन में कहीं ना कहीं है, ओके। अब मुझे एक और रे बनाना पड़ेगा ताकि मैं दोनों का इंटरसेक्शन निकाल के एग्जैक्टली जो है लोकेशन निकाल सकूं इमेज का, ओके। तो ये रही दूसरी रे, ऐसे गई, ओके। यहां पर मैं एक एजम्पशन ले लेता हूं कि भाई एन टू इज लेस देन एन वन, फाइन। और अगर ये एजम्पशन है दोस्तों तो होगा क्या कि ये जो रे आई है इस तरह से, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। अवे क्योंकि नॉर्मल से, क्योंकि दोस्त एन वन ज्यादा है एन टू से, फाइन। अगर एन वन एन टू से ज्यादा है, क्योंकि एन वन इंटू साइन एंगल इज अ कॉन्स्टेंट, सो साइन आई मस्ट बी लेस देन साइन आर एज एन वन इज मोर देन एन टू, so that n1 sin i is equal to n2 sin r, and that is the reason why angle r is more than angle i, fine। क्योंकि 90 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, और 0 से 90 तक sin angle जो है increasing function है, okay, fine। तो अब जो है it will bend away from normal इस तरह से, alright। अब इस observer के पास ये दो rays गई भाई, लेकिन ये दो rays intersect तो कर नहीं रही है, तो कैसे मैं image निकालूंगा दोनों का। ये दो रेज भले ही इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, लेकिन दे विल अपीयर टू इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट। ये ऑब्जेक्ट है अगर, तो यहां पर ये आएगी दोस्तों इमेज, फाइन। तो इधर पे एक वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी, ये जो ऑब्जेक्ट है इट विल अपीयर टू बी लिफ्टेड अप, फाइन। आपने ये चीज नोटिस की होगी जब आप स्विमिंग पूल गए होंगे, आपने देखा होगा कि आपको फील होता होगा कि जो फ्लोर है स्विमिंग पूल का वो शैलो है, मतलब स्विमिंग पूल शैलो है, लेकिन जैसे ही आप उसके अंदर जाते हैं आपको फील होता है कि जितना आपने सोचा था शैलो है उतना नहीं था, उसमें डेप्थ ज्यादा थी। वो होता इसलिए है क्योंकि जो फ्लोर है, वो समझ लीजिए ऑब्जेक्ट है, पूरे फ्लोर की इमेज विल बी लिफ्टेड अप, फाइन। चलिए अगर मुझे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी हुई है तो मैं इमेज की डिस्टेंस कैसे निकालूंगा ये जान लेते हैं, ओके। ये मान लीजिए कि ये हाइट h है, ओके, और ये मान लीजिए कि हाइट स्मॉल h है, राइट। मुझे निकालना है वैल्यू स्मॉल h की इन टर्म्स ऑफ कैपिटल h, n1 एंड n2, ओके। तो अगर दोस्तों ये एंगल i है, फाइन, तो ये क्या होगा, ये भी एंगल i होगा, राइट। और अगर ये दोस्तों एंगल आर है तो ये कितना होगा, ये भी एंगल आर ही होगा, फाइन। तो मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस एक्स है, फाइन। तो मुझे अब जो है ज्योमेट्री यूज करनी पड़ेगी यहां पे एच, स्मॉल एच को कैपिटल एच के टर्म में निकालने के लिए, ओके। देख लीजिए अब हम लोग यहां पर सबसे पहले ये लिख लीजिए n1 sin साइन आई इज इक्वल टू एन टू साइन आर, ओके। अब जो है आप देखेगा कि यहां पर एक एजम्पशन है कि हम लोग जो देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को वो नॉर्मल के पास से देख रहे हैं, फाइन। हमारा इसलिए जो है एंगल्स जो है बहुत स्मॉल हैं, और ये अप्रोक्सीमेशन पूरे ऑप्टिक्स में बहुत ही कॉमन है, दैट वेन एवर इमेज गेट्स फॉर्म वी एज्यूम दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दे आर वेरी लेस, फाइन। और अगर ये स्मॉल है दोस्तों तो साइन आई विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन आई एंड साइन आर विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन आर, फाइन। तो इसको मैं लिख देता हूं एन वन टेन आई इज इक्वल टू एन टू tan r, फाइन। अब tan i क्या है दोस्तों, tan i जो है वो है x बाई
कैपिटल एच, फाइन। और टेन आर क्या है, टेन आर है एक्स बाई स्मॉल एच, फाइन। तो यहां से दोस्तों वैल्यू ऑफ एच हम लोगों को मिल जाएगी एंड दैट विल बी इक्वल टू एन वन बाई एन टू, सॉरी दैट विल बी एन टू बाई एन वन टाइम्स कैपिटल एच, फाइन। और क्योंकि एन वन जो है एन टू से बड़ा है, स्मॉल एच कैपिटल एच से छोटा आएगा, स्मॉल एच विल बी लेस देन कैपिटल एच, फाइन। बट इफ एन टू इज मोर देन एन वन तब क्या होगा, स्मॉल एच विल बी मोर देन कैपिटल एच, फाइन। और जो शिफ्ट हुई है ऑब्जेक्ट की लोकेशन वो कितनी है, दिस इज द अपरेंट शिफ्ट, शिफ्ट कितनी होगी, शिफ्ट हो जाएगा कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, राइट। सो द शिफ्ट विल बी कैपिटल एच माइनस एन टू बाई एन वन टाइम्स एच, सो दिस विल बी वन माइनस एन टू बाई एन वन टाइम्स कैपिटल एच, फाइन। तो इस तरह से हमने इमेज की लोकेशन निकाल ली है अगर सरफेस प्लेनर है तो, फाइन फाइन। चलिए अब हम एक न्यूमेरिकल लगा लेते हैं जिसमें हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है उसका हम लोग यूज कर सकें, ओके। समझ लीजिए कि आपके पास एक ग्लास स्लैब है, फाइन। इस ग्लास स्लैब की थिकनेस मान लीजिए आपकी टी है, ओके। और इस तरह से यहां पर एक लाइट रे आ रही है, तो इसका आपको सब फर्स्ट ऑफ ऑल पाथ बनाना है क्या होगा, फाइन। तो सबसे पहले इसको मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पे n है, यहां 1 है और यहां 1 है, तो क्या होगा, लाइट विल बेंड टुवर्ड्स अ नॉर्मल लिटिल बिट इस तरह से, फाइन। और ये रहा नॉर्मल एंड नाउ लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो इस तरह से लाइट बेंड हो जाएगी, राइट। अब दोस्तों आपको ये फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूफ करना है कि ये रे और ये रे दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ओके। समझ लीजिए कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ये क्या होगा, ये आर होगा, तो ये भी आर होगा, राइट। और ये जो है समझ लीजिए कि एंगल थीटा है, पता नहीं ये कौन सा एंगल है, तो ये पहले हम लोग जानते हैं कि थीटा को इन टर्म्स ऑफ आर एंड आई निकाल सकते हैं या नहीं। तो मेरा जो स्नेल्स लॉ है दोस्तों उसको कैसे लिखूंगा मैं, वन इंटू साइन ऑफ आई विल बी इक्वल टू एन इंटू साइन ऑफ आर, राइट। ये मैंने इस इंटरफेस के लिए लिख लिया। अब इस इंटरफेस के लिए जब मैं लिखूंगा तो एन इंटू साइन ऑफ आर विल बी इक्वल टू वन इंटू साइन ऑफ थीटा, ओके। सो एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल थीटा बिकॉज ये और ये एक ही है, तो दिस एंड दिस विल बी इक्वल, ऑलराइट। तो मैंने ये निकाल लिया कि ये एंगल थीटा जो है एंगल आई के बराबर है, तो मैं कैसे प्रूफ कर सकता हूं कि ये रे और ये रे दोनों जो है पैरेलल हैं। मुझे यहां पर एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा दोस्तों, तो इसको मैं थोड़ा सा पहले पीछे लेके आता हूं, ये आ गया पीछे, राइट। और इस लाइन को मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, फाइन। दिस लाइन कैन बी ये है एंगल आर, फाइन। अब जो है आप देखेंगे कि अगर आप इसको एक्सटेंड कर देते हैं, फाइन, तो ये एंगल कितना हुआ, ये एंगल हुआ आई, फाइन। और ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये भी आई है, फाइन। तो ये जो एंगल्स हैं ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके इक्वल हो गए, तो मतलब कि ये रे और ये रे दोनों जो है पैरेलल हैं, फाइन। तो इससे मैंने ये डिफाइन कर दिया कि भाई दोनों जो है रेस पैरेलल रहेंगी। अब मुझे निकालना है कि इन दोनों पैरेलल रेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ओके। आप थोड़ा सा यहां पे पॉज ले लीजिए और ट्राई करिए कि आप खुद से निकाल सकें एंगल, सॉरी डिस्टेंस बिटवीन द टू रेज इन टर्म्स ऑफ आई आर एंड टी, ओके। थोड़ा सा आपको ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन वगैरह करना पड़ सकता है,
ओके तो मैंने थोड़ा सा यहां पे कंस्ट्रक्शन कर दिया है, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन मैंने किया है, इसको एक्सटेंड करके मैंने उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया है। परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉप किया मैंने, क्योंकि भाई मुझे परपेंडिकुलर लेंथ ही तो चाहिए। अगर मैं वो ड्रॉप नहीं करूंगा तो जब तक वो मैं ऐसे करूंगा नहीं तब तक वो इक्वेशन में आएगी नहीं, और इक्वेशन में जब तक नहीं आएगी तो आप उसको निकालेंगे कैसे। ओके तो सबसे पहले तो आपको जो चाहिए उसको आप बना लीजिए कि मुझे भाई डी की वैल्यू चाहिए। फाइन, अब डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप सबसे पहले इस ट्रायंगल को देखिए। ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। सो दिस साइड विल बी व्हाट, दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस इज व्हाट, दिस डिस्टेंस इज टी। फाइन, तो ये जो साइड है ये वाली, ये कितनी होगी, टी डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ आर। फाइन, तो ये डिस्टेंस आ गई मेरे पास ये वाली। अब ये जो डिस्टेंस है दैट इज ऑल्सो हाइपोटेन्यूज टू दिस राइट एंगल ट्राइंगल, इजंट इट। और ये एंगल कितना है, ये एंगल है आई माइनस आर दोस्तों। फाइन, तो ये जो डी है इसको मैं लिख सकता हूं, ये डिस्टेंस जो कि टी डिवाइडेड बाई कॉस आर है इंटू साइन ऑफ आई माइनस आर, जो कि इस राइट एंगल ट्राइंगल का साइन है। तो इस तरह से आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं दोनों पैरेलल रेज के बीच में। फाइन, तो इतना डिविएशन आएगा दो पैरेलल रेज में।